श्रीलंका से चरण पादुकाएं लेकर रामराज्य युवा यात्रा शनिवार को चित्रकूट धाम पहुंची, जहां चित्रकूट स्थित कामतगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर में भगवान श्री कामतानाथ के सामने रखकर चरण पादुकाओं का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। पूजन के बाद यात्रा में शामिल सभी राम सेवक चरण पादुकाएं लेकर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट के संयोजक तत्व ने श्रीलंका से अयोध्या जी तक चरण पादुकाएं लेकर निकाली जा रही है। रामराज्य युवा यात्रा में शामिल सुदेश चौहान ने जानकारी दी और बताया कि यात्रा का शुभारंभ 15 दिसंबर को श्रीलंका की अशोक वाटिका स्थित सीतापुरम मंदिर में चरण पादुकाओं का पूजन कर आज 30वें दिन यात्रा चित्रकूट धाम पहुंची। 44 दिनों और 10,000 किलोमीटर दूर तक लगातार चलने वाली इस यात्रा के दौरान हम उन सभी 330 स्थानों पर चरण पादुकाएं लेकर जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम वनवास काल में रुके थे। इसके बाद अयोध्या जी में आगामी 22 तारीख को यात्रा का समापन होगा। यात्रा में शामिल डॉक्टर राम अवतार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यात्रा को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर है। हम लोग जहां जहां भी गए वहां लोगों द्वारा बड़े ही स्नेह पूर्वक धूमधाम से हमारा स्वागत किया गया। अब रामराज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दिन निकट आ गया है। मिली थी ये प्रदोष जी हैं, जो सुदर्शन न्यूज के डायरेक्टर हैं, उनके पुत्र हैं ये चौहान जी के, उनके द्वारा और हमारे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के संरक्षण में यह यात्रा श्रीलंका से चली है। ये चरण पादुकाओं को लेकर के और अयोध्या तक यह यात्रा जाएगी। अभी अभी यह यात्रा चित्रकूट धाम में पहुंची है और कामतानाथ जी के दर्शन आरती हुए हैं और परिक्रमा कामतानाथ जी की करने के लिए वो गए हैं। इस यात्रा आरम्भ हुई है और अयोध्या जी जाने वाली है। लगभग 44 दिन की यात्रा है और जहाँ जहाँ भगवान राम पधारे हैं, सीता माँ हनुमान जी जहाँ पधारे हैं, सब स्थलों के पावन स्थलों को प्रणाम करते हुए पूजन अर्चन करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं और जनता में अपूर्व उत्साह है, इतनी उमंग है जिसकी हमें भी कल्पना नहीं थी। और ऐसा लगता है जनता को जैसे श्री राम स्वयं आ गए हैं और ये बात निर्विवाद है अब कि राम राज्य की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दिन अब निकट आ गया है। भगवान के आप सभी के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। हमने यानी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट के बिहाफ पर ये राम राज्य युवा यात्रा 15 दिसंबर से 22 जनवरी तक अयोध्या तक निकाली है। यात्रा की शुरुआत श्रीलंका के अशोक वाटिका के सीतापुर मंदिर से हमने पादुका का पूजन करके शुरुआत करी और अब आज यात्रा का 30वां दिन है, 30वां, और यात्रा चित्रकूट के पावन भूमि पर पहुंची है और कुछ दिनों बाद यात्रा अयोध्या पहुंचेगी और यात्रा का समापन होगा। अब यात्रा 44 दिन और 10,000 किलोमीटर लंबी थी और हमारे साथ जो पादुकाए हैं, हम उस रूट से अयोध्या आ रहे हैं जहाँ पर स्वयं श्री राम जी ने वन गमन किया था, जो वनवास किया था 14 वर्षों का, उसी रूट से। और 330 ऐसे माने जाते हैं जहाँ पर श्री राम जी ने अपना वहां पर जाके पूजन किया था, वहां पर रुके थे, है ना। तो उन 300 तीर्थों पर हम ये पादुकाए ले जा रहे हैं और उनका पूजन करा रहे हैं, देवी देवताओं का मिलन हो रहा है और देश भर के सभी लोग इसका पूजन कर रहे हैं, इसका आशीर्वाद ले रहे हैं, इसका छू रहे हैं। और इस यात्रा का नाम राम राज्य युवा यात्रा है क्योंकि राम राज्य अगर स्थापित करना है, जिसकी नींव 22 तारीख पर बन रही है, तो युवाओं को आगे आकर संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उसके जीवन की युवा अवस्था में सबसे अधिक संघर्ष करना चाहिए। और हम जब श्रीलंका से निकले थे तो हमारी संख्या छोटी थी, लेकिन अब हम आगे जैसे बढ़ रहे तो संख्या बढ़ती जा रही है। 8 राज्यों से यात्रा होकर अब आज उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुंच चुकी है और कुछ ही दिन बाद जब मंदिर बनेगा ये पादुकाएं वहां जाएगी, उसका पूजन होगा और फिर यात्रा का समापन होगा। यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम लोगों में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण कर सके, समाज के बढ़ रहे रावण को समाप्त कर सके और जो भी युवा राष्ट्र धर्म का कार्य करना चाहता है उसको हम प्रोत्साहित करें, हमारे साथ इस यात्रा में जोड़े या फिर अन्य किसी भी राष्ट्र धर्म के कार्य के लिए उनको हम प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।